बच्चों, आज हम चैप्टर हाउ सईदास ड्रीम केम ट्रू का सेकंड पोर्शन कर रहे हैं। हम सेकंड पैराग्राफ करेंगे। एवरी डे व्हेन शी सॉ हर ब्रदर्स गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग शी ऑलवेज विश टू हैव द सेम डे फॉर हर टू। तो अब हम सबसे पहले एक एक लफ्ज का अलहदा मानी देख लेते हैं, फिर बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे। एवरी डे, हर रोज। एवरी डे, एवरी डे दिन को कहते हैं। व्हेन, जब, यानी सईदा जब हर रोज किसको देखती थी? देखना कहते हैं सा, एस ए डब्ल्यू सा, देखना। ब्रदर्स, ब्रदर्स कहते हैं भाइयों को। हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसके भाई स्कूल जाते थे लेकिन उसको स्कूल नहीं भेजा जाता था। गोइंग, गोइंग का मतलब होता है जाते हुए। और मॉर्निंग कहते हैं सुबह सवेरे को। आपको पता है कि सुबह सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। ऑलवेज, हमेशा, यानी स्कूल में जब आपका दाखिला होता है तो आपको रोज स्कूल जाना पड़ता है। विश्ड, ख्वाहिश करना। जब आपके दिल में किसी कोई काम करने की ख्वाहिश पैदा होती है तो उसको इंग्लिश में विश्ड कहते हैं। सेम, यानी जिस तरह उसके भाई स्कूल जाते थे वो चाहती थी कि उसके साथ भी वैसा ही सलूक हो। टू, टू का मतलब होता है टी डबल ओ टू, भी। हर रोज जब वो अपने भाइयों को सुबह स्कूल जाते हुए देखती तो हमेशा उसकी ख्वाहिश होती कि उसके साथ भी ऐसा ही हो। She was very intelligent and smart. तो जो सईदा है वो क्या थी? इंटेलिजेंट, ज़हीन थी, और स्मार्ट, स्मार्ट कहते हैं होशियार, चलाक, जो बंदा देख सोचता समझता हो, अकल रखता हो, वो बहुत ज़हीन और चालाक थी। She wanted to study. Wanted कहते हैं चाहना, यानी उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती थी और वो चाहती थी कि वो क्या करे? स्टडी, स्टडी कहते हैं पढ़ाई करने को, यानी वो भी स्कूल जाना चाहती थी और लिखना पढ़ना चाहती थी। वो पढ़ना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहती थी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, और स्कूल जाने की बजाय वो अपने माँ बाप के साथ मेहनत मजदूरी करने के पर मजबूर होते हैं। जो ये देही इलाकों में जो है वो 23% बच्चे स्कूल नहीं जाते और शहरी इलाकों में 7%, और ये 25 से 30 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, और सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बलूचिस्तान में है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा सकते। She had collected enough books and copies for her from the scrap. आपको पता है कि वो अपनी माँ के साथ घर में भी काम कराती थी और कूड़ा भी चुनती थी। तो collected का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। यानी उसने कूड़ा चुनने के साथ क्या किया? Enough, काफ़ी, यानी उसने पढ़ने के लिए कूड़े में से किताबें और कापियाँ अलहदा करनी शुरू कर दी। बुक्स, बुक्स कहते हैं किताबों को। एक किताब को बुक कहते हैं और दो को बुक्स। कॉपीज, कॉपीज जिस रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं उनको कॉपी कहते हैं। तो फ्रॉम से, यानी उसने कूड़ा चुनने के साथ साथ देखा कि अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कार्ट कबाड़ में जो के पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, तो उसने उनको अलहदा करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कूड़ा चुनते हैं और कूड़े में से जो काम की चीज़ें होती हैं वो अलहदा कर लेते हैं। उनके पास बैग्स होते हैं प्लास्टिक के जिसमें वो डालते जाते हैं। तो उसने काठ कबाड़ में से काफ़ी किताबें और कापियां इकट्ठी कर ली थी। तो वो चलाक और ज़हीन थी, इसलिए सोचा उसने कि माँ बाप तो ख़रीद के नहीं देंगे, तो वो खुद से कापियाँ और किताबें इकट्ठी कर ली। तो ये बेस्ट आइडिया है कि आप किताबों को कूड़े में ना फेंकें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं,
तो अगर हम जिम्मेदार शहरी बने तो हम इन कूड़े के ढेरों को कम कर सकते हैं। आप ज़रूर इस पर अमल करें, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। वो ये तरीका है कि आप अपने घर में मुख्तलिफ रंग के चार जो हैं वो डिब्बे, पांच बाल्टियाँ इकट्ठी कर लें, एक में आप किचन का गार्बेज डालें, एक में आप प्लास्टिक की बोतलें जमा करें, एक में आप शीशे का, एक में आप कागज़ और एक में आप जो धाती चीज़ें हैं उनको जमा करें। उससे एक तो ये होगा कि कूड़ा बाहर कम होगा और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, किताबें जो इस्तेमाल नहीं करते और वो बर्तन जो पुराने हो जाते हैं, एक घर के लिए ये पुरानी चीज़ें दूसरे घर के लिए कारआमद हो सकती हैं। जो लोग इन चीज़ों नई चीज़ों को ख़रीदने की इस्तात नहीं करते उन्हें अपने पुराने टॉयज और किताबें ज़रूर दें। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।